जय हिंद। आज हम चल रहे हैं टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ने के लिए। कौन सा लेसन है? मैप रीडिंग। मैप रीडिंग के टेक्निकल टर्म को पढ़ने जा रहे हैं। आप कोई भी काम करिए, किसी भी फील्ड का करिए, कहीं पे भी जाइए, हर एक फील्ड का कुछ अलग अलग शब्दावली होता है। कोई भी आप गेम ले लीजिए, खो खो ले लीजिए, कबड्डी, एथलीट, हर एक में अलग अलग कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ अलग टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं। आपका लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में भी आपका अलग अलग टेक्निकल टर्म्स यूज होता है। तो उसी तरीके से चलिए जानते हैं कि अब मैप रीडिंग में भैया कौन सा अलग अलग टेक्निकल टर्म्स यूज होता है और कितना महत्वपूर्ण है। आप जब जानोगे नहीं पार्ट्स के बारे में, कंपास के बारे में, कितने प्रकार का कंपास होता है, तो आप कैसे बता सकते हो, कैसे पहचानोगे भैया ये कंपास है कि क्या है। चलिए तब सबसे पहले जानते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स जो मैप रीडिंग के दौरान प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? स्टिंग लाइन। स्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन को दोनों को साथ में समझते हैं भैया। स्टिंग और नॉर्दिंग लाइन दोनों है क्या? यह स्टिंग लाइन आप पिछला अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया हूँ, लेकिन चलिए इस वीडियो में जब बात ही हो रहा है तो अच्छे तरीके से बता दूं। यह जो स्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन के बारे में जानते हैं, जो लाइन आपका यह जो डेफिनेशन बोल रहा है, जो वह लाइन जो मैप पे मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट आपका किधर होता है? इस हाथ में है, ईस्ट आपका इस हाथ में। अब मैप की तरफ घूम जाइए, आपका लाइन जो यह देखिए, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन बढ़ रहा है, कौन सा लाइन बढ़ रहा है? यह देखो, खड़ी लाइन। खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? स्टिंग लाइन। खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? स्टिंग लाइन। विच मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज नोन एज स्टिंग लाइन। खड़ी लाइन, लाल रंग की वह रेखा जो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती है, उन्हें हम स्टिंग लाइन करते हैं। नॉर्दिंग लाइन क्या हो गया भाई साहब? नॉर्दिंग लाइन जो उसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ से जो साउथ से ऊपर जाए। अब ये देखिए जो ब्लैक वाली लाइन है, यह सब आपका नॉर्दिंग लाइन हो गया। डेफिनेशन पे जाते हैं। The black line which is drawn on a map and which moves from south to north, south से north की तरफ। आपको इसको ट्रिक बताया था याद करने के लिए। ईस्ट या जो आपका हाथ ईस्ट रहेगा वो यह मत समझ जाना ईस्ट जो आपका यह वाला, नहीं तो पाव रोटी ही बनाते रह जाओ। पाव रोटी रोटी मत बनाओ। चलो अब चलते हैं, इसको जानते हैं। जो आपको चोरी विधि बताया था, ये ईस्ट वाला सूर्य है इस हाथ में, बहुत ही ताकत है इस वाले हाथ में। तो ये आपका ईस्टिंग लाइन। आगे आप बढ़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ईस्टिंग लाइन को ये खड़ी है तो उसी को दे पाएंगे अच्छी तरीके से, नहीं तो ऐसा सूर्य हाथों में धस जाएगा। तो आपका ये ईस्टिंग लाइन हो गया। और सर आपका क्या पूरा मैग्नेट न्यूरोन से भरा हुआ है, इसमें इतने सारे नर्व्स हैं कि डॉक्टर परेशान हो जाता है। 10-10, 12-12 साल पढ़ते हैं लेकिन तब भी नहीं परफेक्ट हो पाता है। वैसे तो कोई किसी चीज़ में परफेक्ट रहता ही नहीं है। इसको खोल लो तो दिमागी खराब, दिमाग को खोल लो दिमागी खराब। तो इसमें इतना ज्यादा मैग्नेटिज्म है। और आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे भी खूब सारा मैग्नेटिज्म है। तो भाई दोनों साथ हो गए, ऊपर मतलब नॉर्थ हो गया, तब नीचे साउथ। अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ जो विच मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज नॉर्थिंग लाइन। अब भूलेगा नहीं, जो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर भैया ये देखो इस तरीके से जा रहा है, नीचे से बैठ किसे उठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थिंग। सर भी बचा रहेगा और लाइन भी चला उठ जाएगा। चोरी भी दी है, इसको ज्यादा कोरिलेट मत करना अपने पढ़ाई से, रियल लाइफ से। इसको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं है। ये आपका जो ईस्टिंग है, ईस्टिंग लाइन, ये आपका ईस्ट हो गया। हाथ से धक्का दे दिए, आपका हाथ भी बच गया। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जल्दी से आइए इधर। ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड की तरफ चलिए। द बॉक्स विच इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन, ये जो लाइन जा रही है ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन, ये डब्बा बन जा रहा है। इसी डब्बे को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। अब उसके बाद ग्रिड लाइन। अब यह जो सारी लाइनें जो मैप पे गूंजी जा रही, चलाई जा रही है, ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन, इन सब लाइनों को क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन। ग्रिड रेफरेंस, भाई साहब ग्रिड रेफरेंस क्या होता है? जैसे कि मुझे जाना है दिल्ली, जंगल में हूँ, जंगल में कहीं जाना है, तो अब लोकेशन पे जाना है तो अब कैसे पता चलेगा? वही ग्रिड रेफरेंस से पता चलता है। ग्रिड रेफरेंस निकाला जाता है। ग्रिड रेफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीआर। जीआर 4 फिगर निकाला जाता है, 6 फिगर निकाला जाता है, उसके आगे भी निकाला जाता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। उसके आगे निकालने का मतलब कि 4 फिगर 6 फिगर जीआर क्या है? यह 4 फिगर 6 फिगर जीआर है कि जैसे कि आप मान लीजिए 4 फिगर जीआर, आप मान लीजिए आप 1 किलोमीटर के एरिया में हैं, ठीक है, 4 जीआर निकाल रहे हैं। जब आप 4 जीआर निकालेंगे तो इसका मतलब आप इतना बड़ा एरिया में हैं। अगर आप 6 जीआर निकाल लिए
तो आपको इतना बड़ा एरिया में रहना है, मतलब कि कोई सामान आपकी जैसे खो गई है, 4 फिगर निकालेंगे तो आपको यह पूरा एरिया को ढूंढना पड़ेगा, 6 फिगर अगर आप निकाल लेंगे जीआर तो आपको सिर्फ इतने में ही ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि जितना आप ज़्यादा जीआर निकालेंगे, जितना फिगर आपका बढ़ेगा उतना ही कम जगह में आपको लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर देने के लिए एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा फिगर रहेगा उतना ही आप सटीक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएंगे। यही होता है जीआर। अब जीआर ग्रिड रेफरेंस निकाला कैसे आता है, चलिए उसको जान लेते हैं। रिकॉर्ड तो सही से हो रहा है ना सर? हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है सही से, हाँ सब चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है सही से। चलिए, दिक्कत मेन क्या रहता है, अभी मैं इसके पहले रिकॉर्ड किया था, ये देखो ये सब बना हुआ है ना, क्या हुआ कि आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ और मैं स्क्रीन पे ध्यान ही नहीं दिया। वैसे देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा ग्राफ बन रहा है सही से कि हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, क्या किस चीज़ का बात कर रहा था, ग्रिड रेफरेंस को कैसे निकाला जाता है। ग्रिड रेफरेंस को निकालना बहुत ही जरूरी है, तभी ना आप लोकेशन पे पहुंचेंगे। चलिए ग्रिड रेफरेंस को निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ आपका कोई जगह, इसको चलिए बदल लेते हैं, अब इधर आ जाते हैं, इस जगह को आपको निकालना है, ये आपका जो जगह है इस जगह को आपको निकालना है कितना 4 GR में। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जब भी GR निकालना है आंख बंद करिएगा, ध्यान से पूरा देखिए वीडियो को, आंख बंद करके नहीं खोल के देखना, बैठाने वाला दिमाग में चीज रहता है ना, उसे आसानी से आराम से बैठाया करो दिमाग में, दिमाग बहुत ही चंचल है। तो आपको पढ़ना कैसे जीआर जब भी निकालेंगे आप ध्यान में रखिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। एल बनाना है, एल कैसे बनाना है, कुछ गदावा सा भी इस तरीके से बनाएंगे, कहेंगे मैं इसी तरीके से बनाऊंगा, कुछ कहेंगे मैं इस तरीके से बनाऊंगा, तो बनाओगे तो उसके लिए मैं क्या करूं, तुम सब बनाते रहो, अगर नहीं बनाना जानते तो चलो बता देता हूं, और जो प्योर होंगे वो इस तरीके से बनाते होंगे। तो एल आप लोग इसी तरीके से बनाते हैं, तो चलिए इसी एल फॉर्म में हम जीआर को पढ़ते हैं। एल फॉर्म का मतलब ऊपर से आएंगे इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए ऊपर से आते हैं, या आप ऊपर से आइए, दुक यहाँ पे आ गए आप, आपका यह है पॉइंट, यहाँ पे आ गए, ये आपको क्या मिला यहाँ पे 30 मिल गया। पूरा ध्यान देना, पूरा फुल कंसंट्रेट करना इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ, थोड़ा सा भी मिस हुआ नहीं समझ में आएगा, मैं इसमें जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, एक बात को 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, भले से वीडियो लंबी हो जाए लेकिन तो वीडियो को पूरा देख करके ही जाना, क्योंकि उसमें पूरा अच्छी तरीके से MR क्लियर हो जाने वाला मैप रीडिंग। चलो यहाँ पे आओ, 30 हो गए आप, यहाँ पे 30 पे आ गए, 30 30, अब इसके बाद बढ़ते रहोगे, या देखो यहाँ पे आ गए 50 वाले बॉक्स पे है, जो पहले आएगा उसी को लेंगे 50, आप यहाँ पे लिख दोगे 50, ये आपका क्या हो गया, यही आपका जीआर और कुछ नहीं, ये आपका कितना जीआर है 4 फिगर, क्यों 4 फिगर, क्योंकि ये 4 फिगर हुआ, 4 डिजिट ही है, तो ये कितना होगा 4 फिगर। अगर आपको 6 फिगर जीआर निकालना रहेगा तो आप 6 फिगर जीआर कैसे निकालेंगे, चलिए आइए 6 फिगर जीआर को निकालते हैं। अब उसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस करना है, अभी गंदा हो जा रहा है, 6 फिगर जीआर कैसे निकालना है सेम इसी तरीके से करना है। ऊपर से आइए, कितना आप लिखे थे 30 लिखे थे, खाली जगह छोड़ दीजिए, खाली जगह क्यों छोड़ रहे हैं उसको बता रहा हूँ, और फिर यह आपका क्या 50 है, 50 क्लिक के फिर खाली जगह छोड़ दीजिए, खाली जगह छोड़ना क्यों है उसको चलिए जान लेते हैं। अब इसके अंदर आपको लाइन ड्रॉ करना है, किसके मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे, सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से। कितने लाइन ड्रॉ करेंगे, 10 लाइन सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से आपको ड्रॉ कर लेना है, और 10 इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ये देखो ये बीच में है, तो इसका मतलब कि आपको यह 5वीं लाइन इधर से और 5वीं लाइन इधर से इंटरसेक्ट करेगा। कैसे, जैसे कि मैं आपको इसको जूम करके इस ग्रिड को, इसको क्या बोलते हैं ग्रिड, आप हर एक टर्मिनोलॉजी को आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इन सब टर्मिनोलॉजी का, इन सब टेक्निकल टर्म्स का आगे आपका यूज होगा। तो चलिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे आपका ये जो ग्रिड है, ग्रिड को मैं यहाँ पे जूम कर दिया, ये आपका कितना था 30 था, आप लिखे थे ना यहाँ पे 30, और क्या लिखे थे 50, और ब्लैंक छोड़े थे, ठीक है, आपके ये 30 हो गया और आपका 50 हो गया, आपका लोकेशन यहाँ पे, आपको इस लोकेशन पे जाना है, तो आपको क्या करना होगा 10 लाइन ड्रॉ करना होगा, 10 लाइन किसके मदद से आप ड्रॉ करेंगे, सर्विस प्रोटेक्टर के मदद से ड्रॉ करेंगे, ओके क्लियर। तो इस तरीके से आप 10 लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसमें से थोड़ा लाइन कम ज़्यादा हो सकता है, उसको आप नेग्लेक्ट करिएगा। अब यहाँ से आपको गिनना है 5वां लाइन, जैसे 5वां लाइन आपका यह मिल गया, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 5, 5वां लाइन
इधर से मिल गया आपको, तो इसको लिख लेना है फाइव। देखो यहाँ पे मैं गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया, ये दोनों फाइव फाइव था ना। सबसे पहले इधर का जो काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो इसको लिख लेंगे पाँच। फिर ऊपर वाले लाइन को काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो इसको क्या लिख लेंगे पाँच। यही करना और कुछ नहीं करना। ओके क्लियर, ओके। तो इस तरीके से आपका हो गया 305 और 505, ये आपका कितना हो गया 6 फिगर हो गया। क्या हो गया 305 और 505, ये आपका 6 फिगर रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस हो गया। या इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर यही आपका लोकेशन, सपोज दैट इसी ग्राफ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी ग्रिड पे आपका लोकेशन सपोज दैट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपका ये कितना हुआ। चलो मैं इस पे फिर से बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल इसी में मैं और बना दिया आपको, फिर एल टाइप में क्या बताया था, एल ऊपर से आइए तो आपका यह 50-30 में, तो यह जूम कर दिया, मतलब कि 30 हो गया, या इस तरीके से आओगे 30 और इस तरीके से इधर जा रहा है 50 आ रहा है। ओके क्लियर, यहाँ पे देख सकते हो, उसको मैं जूम किया हूँ कंफ्यूज नहीं होने का आपके सहूलियत के लिए। तो आपको क्या करना होगा, ये देखो 30 हो गया, वो ब्लैंक ब्लैंक अब छोड़ दो, छोड़ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो डायरेक्ट यहीं से लिखो, या जो आपका लोकेशन, या लोकेशन आपका कहाँ पे है, 9 पे है, 9 लिख लिए। और उसके बाद चलो आते हैं इस 50 किस पोजीशन पे है, चलो आते हैं ये जो 30 है, ये जो देखो लोकेशन पहले नंबर पे है, तो 301। अब इधर से लाइन से पढ़ते जाओ, कितने पे आया, 50 पे, 509 पे, 301, 509, ये आपका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हो गया इस लोकेशन का। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, तीनों को साथ में समझते हैं। आप डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। समय सर कितना हो रहा, 12 मिनट हो गया, तो चलिए जानते हैं ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ आपका क्या है, वह दिशा जो आप ध्रुव तारे की मदद से ज्ञात करते हैं, जो ट्रू नॉर्थ, जो आप नॉर्थ पोल के, नॉर्थ स्टार की मदद से पता करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ, वह दिशा जो आप कंपास की मदद से ज्ञात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ। उसके बाद आते हैं ग्रिड नॉर्थ, जो वह दिशा जो आप मैप की मदद से ज्ञात करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रिड नॉर्थ बोलते हैं। भैया मैप से कैसे पता कर सकते हैं, चलिए उसके भी बारे में जानते हैं। मैप से आपको कैसे पता करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मैप पे एक ब्लैक कलर की ऐसी डार्क लाइन थोड़ा लंबी का दिखे, लंबा सा दिखेगा इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है। कौन सा कंपास लेना, प्रिज्मेटिक कंपास, ये फौज में रहता है, कंपास भी कई डिफरेंट प्रकार करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ मिलता हूँ। चलिए यह जो आपका है कंपास ले लेंगे, कंपास में एक रिंग होता है, रिंग पे खांचा बना रहता है, लाइन बना रहता है, लाइन को मिलाते हुए हेयर लाइन रहता है। अगर हो सकता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंपास, वो रिंग उसका दिख रहा होगा, और हेयर लाइन से एक आगे की तरफ बना रहता है लाइन, उससे मिलाते हुए मैप पे यहाँ पे आप रख दीजिएगा, मैप पे रख दिए। अब उसको क्या करेंगे, 360 डिग्री रोटेट करेंगे मैप को, जैसे 360 डिग्री रोटेट करना, मतलब इसी स्थान पे फिर से आएगा अपने मत, 360 डिग्री इस तरीके से रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाना, ठीक है, मैप को रोटेट करना है आपको, ठीक है। मैप को जब आप रोटेट कर दिए, उससे जो आपको दिशा पता चली वो नॉर्थ डायरेक्शन, उससे हम पता कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन क्यों हम उस समय पता करें भाई, उस जगह पे हम यह दर्शा सकें कि कौन सा दिशा नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इन सब दिशाओं को वहाँ पे हम पता करने के लिए मैप से की मदद से हम दिशा को पता करते हैं। अब उसके बाद चलते हैं बियरिंग, जैसे कि बियरिंग क्या होता है, बियरिंग जो होता है एंगल फॉर्म जो होता है उसी को हम बियरिंग कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, द एंगल फॉर्म टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड बियरिंग। जैसे कि सपोज दैट आपको यह आपका वाई पॉइंट है, यह आपका जेड पॉइंट है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, इसके बीच में आपको एंगल पता करना है, तो यह एक देखिए, इसके बीच में आपको यहाँ से वाई से जेड तक जाना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए। ओके, अब यह जो आपका एंगल हुआ इसी को बियरिंग कहते हैं। बियरिंग दो प्रकार की होती है, पहला क्या होता है फॉरवर्ड बियरिंग, जो आप यहाँ से इस जगह पे मार्च कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बियरिंग, और जो यहाँ से आप इधर की तरफ आ रहे हैं इसको बैक बियरिंग बोला जाता है। बैक बियरिंग निकालना, इसको मैं आपको बताऊंगा डिग्री कितने ज़्यादा रहता है तो माइनस करते हैं, कितने से कम रहता है प्लस करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं उसके बाद, और इसमें बियरिंग में आपका कई प्रकार का रहता है, मैग्नेटिक बियरिंग, नॉर्थ बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के आपके बियरिंग हैं, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसी के पूरे बारे में चर्चा होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, मैग्नेटिक वेरिएशन। मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ इज नोन एज
और इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन। जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, जो ध्रुव तारा आपका है और मैग्नेटिक नॉर्थ जो कंपास का है, उसका जो वेरिएशन रहता है, उसके बीच का जो अंतर रहता है, उसे मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। इस पर आपका न्यूमेरिकल ही आता है कि इतने इस साल में इतना था, इतना डिग्री चेंज हुआ, क्या होगा। लेकिन उतना हमें साइंटिस्ट बनना नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ। नोट्स अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट, यहाँ पे देखिए इसका मैग्नेटिक वेरिएशन का मैं यहाँ पे नोट्स लिखा हूँ। नोट्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट द मैग्नेटिक पोल, ये जियोलॉजिस्ट भाई साहब कौन होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, या हर्ट के। अब ये जियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो अर्थ के बारे में, अर्थ के रॉक के बारे में स्टडी करता है, उसे जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसी तरीके से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, अब ये कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी हार्टियोलॉजिस्ट बोल देंगे, ये कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। अब ये बोन उन के बारे में जो पढ़ते हैं, उन्हें बोनियोलॉजिस्ट बोल दें, नहीं बोनियोलॉजिस्ट नहीं, ऑर्थोलॉजिस्ट होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, जो लोग जियोलॉजिस्ट भाई साहब लोग हैं, वो लोग पढ़े उढ़े लिखे अपना अध्ययन किए तो बताएं, मैग्नेटिक वेरिएशन होता है जब अर्थ कंप्लीट करता एक चक्कर नॉर्थ पोल का, और वो कितने साल में कवर करता है, 100 साल में कवर करता है। तो 100 साल में जब कवर करता है तो देयर इज ए स्लाइटली चेंज, उसमें हल्का से बदलाव आता है डिग्री में, मैग्नेटिक बियरिंग में, मैग्नेटिक बियरिंग में हल्का से बदलाव आता है। कितना बदलाव होता है, 2 से 2.5 डिग्री का बदलाव आता है। और डिक्लाइन, पृथ्वी झुकती कितनी है, डिक्लाइन कितनी होती है, 3 साल में कितना डिग्री, 1 डिग्री डिक्लाइन होती है। अब उसके बाद आते हैं सेटिंग पढ़ते हैं, सेटिंग अपना सेटिंग मत लगना करने, जो हर एक जगह सेटिंग करते रहते हैं स्कूल में, घर पे जहीं मन वहीं पे लगते हो सेटिंग करने, वो वाला सेटिंग नहीं है। मैप का सेटिंग जो आपको इसलिए पहले ही बता दिया कि पूरा क्लियर हो जाए, वही जो मैप को आप 360 डिग्री वो कंपास रख करके सेट किए हो, नॉर्थ डायरेक्शन पूरा मैप को 360 डिग्री टर्न किए हो, उसी को बोलते हैं सेटिंग। मैप को सेट करना वही हो गया आपका सेटिंग, प्लेसिंग अ मैप सो दैट द नॉर्थ ऑन द मैप पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, बस वही सिंपल है डेफिनेशन, उसी तरीके से लिखता है। हाँ, और आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, यह जो आपका है कभी कभी पूछ देता है कि टेक्निकल टर्म्स को भैया पूरा बताओ, पूरा यह दे देगा, लिखना रहेगा, तो आप यहीं से तैयार होकर जाएंगे, वहाँ सिर्फ आपको लिखना रहेगा, वहाँ पे जाएंगे समझेंगे तो बहुत ही वो नहीं सही होता है, जब तक आप समझेंगे तब तक समय बीत जाएगा। यह कंटूर्स क्या होता है, कंटूर इमेजिनरी लाइन होता है और कुछ नहीं होता है, क्या इमेजिनरी लाइन होता है, बस उसी को समझ लीजिए आप। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ मैप विच शोज द हाइट इज कॉल्ड कंटूर, क्या यह बता रहा है, हाइट बताता है, कहाँ से बताता है, सी लेवल्स का हाइट बताता है। वैसे भी हाइट कहाँ से मापा जाता है, MSP बोलाता है, मीन सी लेवल, यहाँ पे देखिए मीन सी लेवल MSP जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कंटूर लाइन था, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल वर्टिकल हाइट, अभी इसको बता रहा हूँ क्या है। और कंटूर इंटरवल, द वर्टिकल बिटवीन द टू कंटूर लाइन इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, नहीं समझ में आया, मत समझ में आया। और ये थोड़ा सा नोट्स अभी बता दे रहा हूँ, नहीं ये सब लिखा उखा हुआ कहाँ समझ में आता है, जब तक मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आओ मैं समझाता हूँ। यह जैसे कि आपका यह पहाड़ है, जैसे कि यह मान लीजिए आपका पहाड़ है, अब पहाड़ को भैया मैप पे कैसे बनाओगे, मैप इस तरीके से बनाओगे तो पता चलेगा उसी में दूसरे को भी काट देगा, तो ये सुटेबल नहीं हो पाता है। तो कंटूर का एक अलग तरीका निकाला गया, मेरे पास चेक कर दीजिए, हाँ यहाँ पे एक बुक है, इस पे पूरा बताया गया कंटूर एंड लैंडफॉर्म काफी अच्छे तरीके से, मैं आपको एक बार इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यह अब आप देख सकते हैं, यह देखिए पूरा इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पे। ओके ओके सर, तो आप देख लिए बुक पे कैसे है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो है कंटूर लाइन, कंटूर इसी को बोलते हैं, जो इस तरीके का आपका है ना, इसी को कंटूर बोलते हैं। कंटूर लाइन, ये जो आपकी लाइन बना हुआ है ना, इसको कंटूर लाइन बोलते हैं। ये क्या इमेजिनरी लाइन है, क्या इसका काम है, ये पहाड़ का जो हाइट है, इसी की हाइट को बताता है, एल्टीट्यूड को बताता है, किस यूनिट में बताता है, फिट में बताता है। और ये कंटूर इंटरवल, ये जो दोनों के बीच का ये जो इंटरवल है, इतने पे आ रहा है, ये जो जगह है इतने इतने पे आ रहा है, इसी को बोलते हैं कंटूर इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से इसके बीच का दूरी, ये देखो इसके बीच का दूरी, ये देखो इसको इसके बीच का दूरी, इसी को कंटूर इंटरवल बोलते हैं। और इसमें नोट, वेयर द कंटूर लाइन आर फार अवे, इट मीन्स द इट
हैव दिस जेंटल स्लोप, जहां पे कंटूर लाइन दूर रहता है, फार रहता है, इसका मतलब क्यों जेंटल स्लोप है। जेंटल स्लोप का मतलब आपको बता रहा हूं, जेंटल स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका यह पहाड़ है, यह आपका सपोज दैट पहाड़ है, तो जहां पे कंटूर लाइन ऐसे दूर दूर रहेंगी, इतना दूर दूर है ना, यहाँ पे ये देखो दूर दूर है और यहाँ देखो कितना क्लोज क्लोज है। जैसे कि ये आपका पहाड़ है, इस पहाड़ को सपोज दैट मैं इस फॉर्म में कंटूर में दिखाया, तो यह जो है इधर का देखो, यह दिखाया हूं कि दूर है, इस तरीके का है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका जेंटल स्लोप है। और यह जो है इतना करीब करीब है, इसका मतलब कि आपका स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप का मतलब तीखा तीखा स्लोप है। वेयर द कंटूर लाइन आर क्लोज इट मींस दैट द स्टीप स्लोप। क्लियर। बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होता है, जो स्टोन लगे रहते हैं कैनाल के पास, रेलवे के पास, रोड के किनारे, उसी को बेंचमार्क कहते हैं, जिसको बीएम से डिनोट किया जाता है। यहाँ डेफिनेशन देखिए, द स्टोन ऑन विच द हाइट इन फीट ऑफ द स्पॉट्स आर हाईलाइटेड। BM is carved, जिसको बनाया जाता है किस पे, स्टोन एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कैनाल, रोड एक्सेट्रा। इसको किस में यूनिट में लिखते हैं, BM is equal to 5000 feet, it means there are 5000 feet higher from the sea level। सी लेवल से मापा जाता है, दैट इज नोन एज MSP। कौन इसका करता है, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप के द्वारा किया जाता है। तो यह सब आपका टेक्निकल टर्म्स था मैप रीडिंग का, इन सब का आपका प्रयोग होता है। काफ़ी चीज इसमें कवर हुआ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है आपका, तकरीबन 25-26 मिनट का हो गया। कोई बात नहीं, टेक्निकल टर्म है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत।